हम आज तुम्हें भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें भगवान सूर्य की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान सूर्य देव की मार्कंडेय पुराण में वर्णित पावन कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्य देव ने आकर इस सृष्टि के अंधकार को दूर किया था। भक्तजनों, भगवान सूर्य देव की शक्ति को पूजा का स्रोत माना जाता है। इनको नमस्कार करने मात्र से भक्तों की काया में शक्ति और ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो आइए सुनते हैं भगवान सूर्य देव की परम कल्याणकारी ये पावन कथा। सूर्य देव की जन्म की गाथा सुनो लगा कर ध्यान, मार्कंडेय पुराण की गाथा का मैं करूं बखान। ब्रह्मा जी ने की भक्तों जब सृष्टि की रचना, दसों दिशाओं में छाया था तब अंधकार घना। तब ब्रह्मा जी अपने मन में करने लगे विचार, अंधकार में कैसे होगा सृष्टि का विस्तार, किस प्रकार से जीव जंतुओं का विकास होगा, अंधकार का जाने कैसे सर्वनाश होगा। ब्रह्मदेव भी समाधान इसका कोई चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो चारों ओर अंधकार ही फैला था। ब्रह्मदेव सोचने लगे, इस अंधकार में तो सृष्टि का विकास संभव ही नहीं। जब तक सृष्टि में उजाला नहीं होगा, ना ही धर्म की स्थापना हो सकती है, ना ही जीवों का विकास हो सकता है। भक्तजनों, तब ब्रह्मा जी के मुख से ओंकार शब्द का नाद होता है। ब्रह्मदेव जी इन्हीं विचारों में खो जाते हैं, ओंकार रूपी एक तेज को फिर वो बनाते हैं। वही ओम भगवान सूर्य का सूक्ष्म रूप बना, मिटने लगा जिसके कारण अंधकार घना। और फिर भूर भुवः स्वः शब्द हुए उत्पन्न, ये तीनों ही शब्द अपने आप में संपन्न। तीनों शब्द जब ओंकार के भीतर हुए विलीन, जिस कारण से सूर्य देव को मिला स्वरूप नवीन। स्थूल रूप को अपने सूर्य देव पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, ब्रह्मा जी सृष्टि के अंधकार को दूर करने के उपाय के बारे में सोचने लगे तो उनके सब मुख से ओंकार शब्द का नाद हुआ, जिससे सृष्टि में प्रकाश फैलने लगा।
वो ही सूर्य देव का सूक्ष्म रूप था। जब ब्रह्मा जी ने भूर्भुवः स्वः शब्द का उच्चारण किया तो सूर्य देव ने अपना स्थूल रूप प्राप्त कर लिया और सारी सृष्टि को प्रकाशमान कर दिया। सृष्टि के प्रारंभ समय में जन्मे हैं सुख धाम, इस कारण से आदि देव आदित्य पड़ा है नाम। सूर्य देव की जन्म कथा एक और पाई जाती, वर्णित वेद पुराणों में वही गाई है जाती। सूर्य देव की जन्म कथा ये भक्तों बड़ी महान, ध्यान लगा कर सुनना भक्तों अब मैं करूं बखान। ब्रह्मदेव को पुत्र रूप में मरीचि हुए उत्पन्न, सारी ही विद्याओं और गुणों से जो संपन्न। ऋषि मरीचि के सुत कश्यप तो कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, भगवान सूर्य देव महर्षि कश्यप और अदिति के संतान भी कहलाते हैं। अदिति गर्भ से सूर्य देव के उत्पन्न होने की एक पौराणिक कथा है, जिसका आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। भक्त जनों, ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मारीच हुए और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए, जिन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया था। उनकी पत्नियों के नाम तिथि और अदिति थे। अदिति और तिथि का है कश्यप से हुआ विवाह, अदिति को थी तेजस्वी सुंदर संतान की चाह। इसी चाह में सूर्य देव का तप किया है कठोर, प्रकट हुए हैं अदिति की वो देख तपस्या घोर। कहने लगे के हैं अदिति तुम मांगो कोई वरदान, माँ अदिति ने कहा कि सुत मुझे चाहिए आप समान। सूर्य देव ने तथास्तु कहकर है वरदान दिया, जो दिया है वरदान सूर्य ने पूरा उसे किया। रूप में अदिति गर्भ में स्वयं ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कहते हैं देवासुर संग्राम में माता अदिति के सभी पुत्र असुरों से हार जाते हैं, अतः माता अदिति को एक ऐसे पुत्र की चाह थी जो बड़ा ही तेजवान और बलवान हो। ऐसे पुत्र की चाह में माता अदिति ने सूर्य देव की आराधना शुरू कर दी। भगवान सूर्य देव उनकी तपस्या को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सूर्य देव ने जब माता अदिति को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हे सूर्य देव, मुझे आपके समान तेजस्वी और बलवान पुत्र चाहिए। भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर कहने लगे, यदि आप मुझे माता के रूप में मिल जाएं, तो इससे और अधिक प्रसन्नता मेरे लिए क्या हो सकती है। भगवान सूर्य देव ने उन्हें पुत्र रूप में आने का वचन दिया और अपने तेज को समेटते हुए सूक्ष्म रूप में माता अदिति के गर्भ में स्थापित हो गए। माता अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रत का पालन करती थी। महर्षि कश्यप कहने लगे, तुम क्या अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को मारना चाहती हो। तब माता अदिति ने
सूर्य देव को अपने गर्भ से बाहर कर दिया। सूर्य देव जब माँ अदिति के गर्भ से बाहर आए, सूर्य देव के इसी रूप को विवशवान कहा जाए। दिव्य तेज के कारण इनको कहते हिरणमय अंड, एक नाम और सूर्य देव का कहलाए मारतंड। माँ अदिति के पुत्र प्रभु मारतंड है बड़े महान, इनको ही तो कहते हैं सब सूर्य देव भगवान। सूर्य देव ने ही दैत्यों का फिर संहार किया, सुर नर मुनि चराचर सृष्टि पे उपकार किया। अदिति पुत्र को दैत्यों से वही मुक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर उन्होंने माता अदिति पर उपकार तो किया ही, देवासुर संग्राम में जाकर सब दैत्यों का संहार भी कर दिया और माता अदिति के सभी पुत्रों को दैत्यों के भय से मुक्ति दिलाई। भक्त जनों, सभी देवतागण माता अदिति की ही संतान माने जाते हैं। सभी देवताओं में सूर्य देव को उत्तम स्थान प्राप्त है, क्योंकि जब सभी देवता गण भी मिलकर दैत्यों को नहीं हरा पाए तो सूर्य देव ने अकेले ही सभी दैत्यों को परास्त कर दिया था। सभी देवता गण है माता अदिति ही संतान, सूर्य देवता माने जाए उनमें सबसे महान। अदिति गर्भ से उत्पन्न हुए आदित्य नाम हुआ, तभी तो आदित्य भक्तों इनको जाता है कहा। इस कथा का वर्णन ऋग वेद में पाया जाता, पद्म पुराण में भी मिलती है ये पावन गाथा। सुर नर मुनि जन सूर्य देव का करते हैं गुणगान, और देवताओं में इनका उत्तम बड़ा स्थान। सूर्य देव के सुमिरन से संकट कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार माता अदिति के गर्भ से सूर्य देव उत्पन्न हुए और सभी देवताओं को दैत्यों के भय से मुक्त कराया। सूर्य देव के जन्म की ये पावन कथा ऋग्वेद और पद्म पुराण में वर्णित मिलती है। भक्तों, भगवान सूर्य देव ही इस धरती पर साक्षात देवता हैं, जिनके दर्शन हम नित्य कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से मात्र जल का अर्घ देने से ही सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं उनकी जीवन गाथा। सूर्य देव ने संगा देवी से है विवाह किया, संगा देवी के पिता श्री स्वयं है विश्वकर्मा। संज्ञा ने दो पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया, सूर्य देव ने धूमधाम से नामकरण किया। एक का नाम है वैवस्वत मनु, दूजे का यम है, पुत्री को नाम दिया यमुना, ना पुत्रों से कम है।
संज्ञा देवी अपना पत्नी धर्म निभाती है, तेज सूर्य का किंतु सहन नहीं वो कर पाती है। सूर्य देव संज्ञा के कष्ट को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, भगवान सूर्यदेव ने विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा देवी से विवाह किया। संज्ञा देवी बड़ी ही कोमल थी और सूर्यदेव बड़े ही तेजवान। सूर्यदेव का ताप संज्ञा देवी से सहन नहीं होता था, लेकिन वो अपने पति धर्म का निर्वहन बड़ी निष्ठा से करती थी। सूर्यदेव से संज्ञा देवी को 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र को उन्होंने वैवस्वत मनु के नाम से पुकारा, पुत्री का नाम उन्होंने यमुना रखा और छोटे पुत्र को यम नाम दिया। 3 संतान होने के पश्चात भी सूर्यदेव का ताप सहन करने में संज्ञा देवी को बड़ा ही कष्ट होता था। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं कठिन तपस्या करके अपने तेज को बढ़ा लूं या सूर्य देव के तेज को कुछ कम कर दूं। संज्ञा देवी के मन में यही एक उपाय आता है। संज्ञा के मन में अब तो सूझा है एक उपाय, अपनी जैसी परछाई एक दूजी दी है बनाई। रूप रंग व्यवहार आदि सब कुछ था एक समान, संज्ञा और उसमें कुछ भी अंतर ना पड़ता जा। संज्ञा के गुण और ज्ञान को भी उसने है पाया, संज्ञा जैसी थी इस कारण नाम पड़ा छाया। संज्ञा ने छाया देवी को भली भांति समझाया, सूर्य देव को इस बारे में कुछ ना जाए बताया। आगे की घटना भी भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, संज्ञा देवी अपने पत्नी धर्म का निर्वहन तो करती थी, किंतु तब भी उसे सूर्य देव का तेज सहा नहीं जाता था। तो उसने तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाने की बात मन में सोची और उन्होंने अपने ही जैसी एक परछाई बना दी, जिसको संज्ञा देवी ने छाया नाम दिया। संज्ञा देवी छाया से कहने लगी, मुझे तपस्या करने के लिए वन में जाना है, आप मेरी अनुपस्थिति में सूर्य देव के साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करना, क्योंकि आप मेरी ही परछाई हो। छाया देवी को इतना समझा कर संज्ञा तपस्या करने को चली जाती है। तप करने का संज्ञा ने जब मन में किया विचार, चली आई है पहले संज्ञा अपने पिता के द्वार। विश्वकर्मा जी ने किंतु जब ये तो जाना है, पति को बिना बताए उन्होंने सही न माना है। उनके पिता ने अपने द्वार से वापस लौट आई, तप करने को संज्ञा देवी वन में चली आई। सूर्य देव से छाया को भी हुई 3 संतान, सावरणी मनु और भद्रा शनि देव जिन्हें दिए नाम। सूर्य देव छाया के भेद को जान ही जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब छाया देवी और सूर्य देव से शनि देव उत्पन्न हुए तो उनका रंग बड़ा ही काला था। सूर्य देव ने सोचा, मैं इतना तेजवान हूँ, मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है। जब उन्होंने भेद जानना चाहा तो छाया देवी का रहस्य उनके सामने आ गया। उन्हें पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा देवी तपस्या करने को वन में चली गई हैं। सूर्य देव उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। इधर वन में संज्ञा देवी अपना अश्विनी रूप बनाकर तपस्या कर रही थी। तब सूर्य देव ने अश्व रूप में संज्ञा देवी से मिलन किया और उन्हें अश्विनी और कुमार नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए। भक्तों, सूर्य देव और उनके पुत्रों की यही पावन कथा है जिसका हमने वर्णन किया। आइए अब इनकी महिमा वर्णन करते हैं। सात घोड़े के रथ पर अपने सूर्य देव है सवार। इन्होंने ही तो दूर किया है सृष्टि का अंधकार। अरुण सारथी हैं उनके जो रथ को चलाते हैं। भक्तों पर सदा सूर्य देव तो कृपा बरसाते हैं। ऋषि मुनि और देवता गण भी करते सदा गुणगान। पंचतत्वों में उत्तम सबसे इनका तो स्थान। देवों की भी इन्होंने जाकर विपदा टाली है। सूर्य देव की महिमा भक्तों बड़ी निराली है। वेद पुराण भी उनके नाम की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, सूर्य देव की महिमा वर्णन मात्र से ही भक्तों का उद्धार हो जाता है। इनकी आराधना उत्तम फलदाई है। रविवार के दिन विशेष तौर से इनकी पूजा होती है। वैसे तो प्रातः काल उठकर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। सूर्य देव का ध्यान करने से भक्तों को तेज और बल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को रोज सुबह जो अर्घ चढ़ाता है, लोक और परलोक तो उसका सुधर ही जाता है। विशेष तौर से रविवार के दिन ये पूजे जाते होती है उन्हें बल की प्राप्ति जो भी ध्यान लगाते। सूर्य देव की पावन कथा को जो भी सुनते हैं, बिगड़े हुए भाग्य भी उन भक्तों के बनते हैं। हंस राज रलहन भी सुनते सूर्य देव की गाथा। खोज सुरेश ने जिसे लिखा है सिमर शारदा माता। पाल के सूर्य देव ही काम बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के जैसे पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।